Hi all, audio check. I hope I am audible. All students who are able to listen, kindly confirm the audio. Good evening to all. Thank you for confirming the audio, all students who have logged in. Hi all, good evening. I hope I am audible, I hope I am visible. And here we are with a gap in the sessions. So I am continuing with where we had left. This is our 10th session on India map. And we are going through geography series on national parks. Probably the last class which I had was related to the national parks of South India. So we will continue something with South India and we'll go to West India. So this is what I intend to talk about today. All students who've logged in, if you are a geography optional student, I would also want you to keep a blank map with you so that you can plot that. Sabhi chhatron ko jo aaye hain, Hindi English dono mein jo aap samajhte hain. So I'll be speaking in both the languages and apna apna map nikal le. And then we can start this session. Get that? चलिए तो आज का session किस चीज के बारे में है? Let us have a look at this. So the session which we are having is about the national parks for South India and West India. Yes. And just in case the audio is anywhere low, do let me know because I'll be listening to your feedback only on this. It is fine. Yes. Okay. So we are talking about the national parks of South India and West India. So starting में ही South India और West India का एक पहले character हम अलग से देख लें. So a big difference. दोनों में बहुत ज़्यादा difference है. जब हम South India की बात करते हैं and suppose we are talking about you know like specially Western Ghats. Western Ghats एक special eco region है. You know that it is also a biodiversity hotspot. So whenever you are talking about that in areas ke bare mein, aapko uske south versus north ko karna chahiye. So right in the beginning, South Indian National Parks, especially the ones which I will be dealing with, aaj main Western Ghats plus सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स नीलगिरी अन्नामलाई कॉर्डमम जिसपे हमने पहले भी रीजन पे बात की है. आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. तो इन सब रीजन्स की बात होगी. तो एक रीजन तो ये हुआ नंबर वन और सेकंड है वेस्टर्न इंडिया. वेस्टर्न इंडिया में आ जाएगा राजस्थान प्लस गुजरात. अब दोनों में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस है. बोथ आर वेरी वेरी डिफरेंट. ठीक है. तो एसोसिएटेड वाइल्ड लाइफ एसोसिएटेड फ्लोरा फाउना टोटली डिफरेंट है. कंजर्वेशन इश्यूज भी डिफरेंट है. तो जब हम इनकी बात करते हैं तो वी शुड बी वेरी वेरी क्लियर व्हाट काइंड ऑफ रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड अगर आपको ये बहुत सारी चीजें लिखनी भी हो यहां पर एग्जाम में तो आप इस कंपैरेटिव एनालिसिस से यू कैन राइट अ लॉट. तो विशिष्ट पूछ रहे हैं सर डाउट है इन एंडोरिक बेसिन व्हाट इज एंडोरिक. बेटा अंग्रेजी का टर्म है. This is the term in English
विच सिंपली मीन्स दैट द रिवर डज नॉट रीच द ओशन, तो सी में नहीं जाती है और उससे पहले ही उसके पास पानी नहीं है, तो वो इंटरनल और इनलैंड ड्रेनेज हो जाएगा. ठीक है विशिष्ट, दैट इज दैट. तो मुझे लगता है कि राजस्थान और गुजरात में ये ज्यादा होता है. अगर हम देखें वेस्टर्न घाट इज कमिंग इन द वे ऑफ विच मॉनसून, साउथ वेस्ट मॉनसून. सो हमारा जो मेन मॉनसून है, जो रेनफॉल होने वाली है, वो इससे होने वाली है. एंड अगर हम वेस्टर्न घाट्स की एवरी वन, इफ आई लुक एट द स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट, इधर तो डेफिनेटली साउथ वेस्ट मॉनसून आया, बट टुवर्ड्स द सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, टुवर्ड्स द सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स इवन नॉर्थ ईस्ट मॉनसून भी आता है एंड टुवर्ड सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स. और यहीं पर इनके फॉरेस्ट हैं, इनको हम बोलते हैं स्पेशल फॉरेस्ट, शोला फॉरेस्ट. ठीक है, शोला फॉरेस्ट में क्या एडवांटेज है कि एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है तो कूल एरिया है. ठीक है, एंड रेनफॉल इज नॉट ऑन द वेस्टर्न साइड, तो वेट एवरग्रीन चल रहा है. ऑन द वेस्टर्न साइड इट इज वेट एवरग्रीन, यस नो, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन. बट ऑन द ईस्टर्न स्लोप्स अगर आप देखेंगे, रेनफॉल हैज रिड्यूस्ड बिकॉज ऑफ द हाइट, टेम्परेचर भी कम हो गया. बिकॉज ऑफ द हाइट द टेम्परेचर इज ऑल्सो लो, सो द वेजिटेशन इज अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड. और वहां हमारे शोला फॉरेस्ट. इज एवरी वन क्लियर विद दैट? सो ये थोड़ा सा हमें इस एरिया के बारे में समझना होगा. अनदर थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू इज वेन आई एम टॉकिंग अबाउट दीज वेस्टर्न घाट सदर्न हिल कॉम्प्लेक्स, जिनको हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स भी बोलते हैं, दीज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑल्सो. सो इसमें आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ये स्पेशल एरिया है वॉज पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड. सो पेनिनसुलर इंडियन ब्लॉक का गोंडवाना लैंड का है, तो इसकी बायोडाइवर्सिटी भी यूनिक बायोडाइवर्सिटी, यूनिक बायोडाइवर्सिटी. सो दैट्स ऑल्सो वेरी वेरी स्पेशल फॉर दैट. राजस्थान और गुजरात की जब बात करते हैं तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? अडेप्टेड बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज चैलेंज है. वहां बहुत पानी था, तो यहां पर क्या हो गया हमारे पास? हीट, रेनफॉल डेफिसिट है, यस, एंड कोस्ट में गुजरात में सैलिनिटी भी है. सो यू हर्ड ऑफ सांबर लेक, बर्ड्स फ्लाइंग इन एंड दे डाइंग ओवर देयर. तो सॉल्ट जो हमने देखा, बॉटुलिज्म भी हमने देखा उसमें, तो बहुत सारी चीजें हैं. सो विच हैव टू बी देयर. एंड दिस एरिया व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट देयर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, द नेचर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स, सॉरी नॉट बायोस्फीयर रिजर्व्स, द प्रोटेक्टेड एरियाज ओवर देयर इज टोटली डिफरेंट इन दिस. ठीक है, सो एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? ये स्टार्टिंग में है. अन अकेडमी कॉम्बैट अगर आप नहीं दे रहे हैं अभी तक, तो दिस इज वन थिंग विच आई वुड वॉन्ट यू टू पार्टिसिपेट, अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट गेमीफाइड क्विज. एंड आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर, एंड इस संडे को तो स्टूडेंट्स एग्जाम प्रिलिम्स ही दे रहे हैं, बट आई वुड वॉन्ट एवरी वन टू पार्टिसिपेट इन दीज मेगा क्विजेज, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली आपको इसमें बहुत सारे ऑफर्स भी मिलते हैं, यू कैन वेरी वेल मेक यूज ऑफ देम. नेशनल पार्क्स पे हमने पहले भी बात किया है. सो व्हाट हैव वी टॉक्ड अबाउट नेशनल पार्क? एक डेफिनेशन है कि एन एरिया वेदर विद इन अ सेंचुरी और नॉट कैन बी नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ नेशनल पार्क बाय रीजन ऑफ इकोलॉजिकल, फाउनल, फ्लोरल. तो एक चीज को मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाहता हूँ, जब भी नेशनल पार्क्स की बात होती है तो हम सोचते हैं इट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी, लेकिन ये तो ठीक है इकोलॉजिकल फ्लोरा फाउना, ध्यान दीजिए यहां पर मैंने कुछ और बात किया, जियोमॉर्फोलॉजिकल. जियोमॉर्फोलॉजिकल कैन बी अबाउट द टेरेन, यूनिक टेरेन. जैसे एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं राजस्थान का. राजस्थान की जब हम बात करते हैं और जब हम डेजर्ट की बात करते हैं, ठीक है, डेजर्ट नेशनल पार्क की बात करते हैं, so the western part is sandy, western part is sandy and eastern part is rocky. Unique geomorphological arrangement है desert national park of Rajasthan, बाड़मेर जैसलमेर area है. western side में sand dunes हैं, sand dunes, and that is the मरुस्थली region, the true desert region ही वो है
मरुस्थली रीजन, और जैसे जैसे हम अरावली की तरफ आते हैं तो इट बिकम्स रॉकी एंड सैंडी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी आर लुकिंग एट. तो इकोलॉजिकल फॉनल फ्लोरल फाउनल प्लांट्स एंड एनिमल्स, और उसके बाद जूलॉजिकल एसोसिएशंस और इंपॉर्टेंस नीडेड टू और फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड प्रोपोगेटिंग डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ देयर इन और देयर इन्वायरमेंट और इट्स इन्वायरमेंट. ठीक है, तो उस इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करते हैं और उसको वाइल्ड लाइफ को भी कंजर्व करते हैं. सो आई बिलीव इसी में से, इसी सेंटेंस से, इसी पर्पज में से भी वी कैन गेट मेनी क्वेश्चंस. एक स्टेटमेंट इसी पर भी बन सकता है. ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये नोटिफाई करती है अंडर विच एक्ट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर होते हैं. चैप्टर 4, कंडीशंस आर गिवन, नो ह्यूमन एक्टिविटीज परमिटेड इनसाइड नेशनल पार्क एक्सेप्ट फॉर द वंस परमिटेड बाय. अगर वहां पर आपको परमिट किया जाता है कुछ चीजों में, वैसे तो इट इज ऑल नॉट परमिटेड, बट वाइल्ड लाइफ वार्डन हैज द राइट एंड अंडर चैप्टर 4 ही कैन परमिट. ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गए सभी लोग? दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक थिंग अबाउट दैट. वी आर स्टार्टिंग विद कर्नाटका. ठीक है, तो स्टेट बाय स्टेट हम चलने वाले. सो फर्स्ट इज वी आर स्टार्टिंग विद कर्नाटका. और कर्नाटका में द मोस्ट फेमस वन जो मुझे लगता है, जो आप लोगों ने भी देखा होगा, जो मुझे सिटीज में दिखाई देते हैं, वो बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे बैंगलोर. बैंगलोर के पास कौन सा, जल्दी से बताइए. उसी तरह से मैं तो ये भी कहूंगा चेन्नई. चेन्नई के पास भी कुछ है. वॉट इज नेक्स्ट टू चेन्नई एंड वॉट इज नेक्स्ट टू बैंगलोर? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर एंड कॉन्शियस. मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा था, एक बार फिर से देख रहा हूँ. हाँ बिल्कुल सुमित, आपने कहा एवियन बॉटलिज्म, दैट्स करेक्ट फॉर दिस थिंग. तो जल्दी से बैंगलोर के पास, हाँ विकास बिल्कुल सही, बांदीपुर. सो मेनी ऑफ यू वुड हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू जो बैंगलोर जाते हैं, यहाँ पर विजिट करने का मौका मिला होगा. ठीक है, उसी तरह से चेन्नई में सिटी में पार्क निकालना मुश्किल होता है, बट देन दीज आइडियाज हैव बीन देयर. इवन द गवर्नर रेजिडेंस, उसके आसपास का एरिया हैज टर्न इनटू अ वेरी वेरी पॉपुलर पार्क. जल्दी से बताइए चेन्नई का कौन सा है एग्जाम्पल. दो तो सिटी से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे आप देखेंगे भोपाल में भी है. सो अगर ये मॉडल सिटीज अपना लें, इफ द सिटीज आर एबल टू अडॉप्ट दिस मॉडल, तो वो जो रिकन्सिलिएशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड नेचर एंड द इश्यूज ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, द इश्यूज ऑफ पॉल्यूशन हो जाएगा. बिकॉज पॉइंट केलेमेयर बेटा चेन्नई तो नहीं है, ये तो गलत बता रहे हैं आप. पॉइंट केलेमेयर, और मैं चेन्नई में ही कह रहा हूँ. पुलिकैट, क्षितिज पुलिकैट बेटा चेन्नई से बहुत दूर है. चेन्नई में आपके पास आता है गिंडी, सुना है नहीं सुना है? हैव यू हर्ड ऑफ गिंडी? डियर पार्क भी है यहीं पर, ये सुनो. उसकी बात करें तो विकास, जब आपने पॉइंट कैलिमेर की बात की, पॉइंट कैलिमेर अगर मैं इंडिया का मैप बनाता हूं, ये जो साउथ आता है हमारा, ऐसा कुछ आएगा, ये है पॉइंट कैलिमेर. और चेन्नई तो काफी ऊपर होने वाला है. ऐसे किसी ने कहा पुलिकैट, पुलिकैट भी काफी ऊपर है ना लेक. सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. और सिंस दोनों की बात आई है, पुलिकैट और पॉइंट कैलिमेर, तो आई थिंक दोनों को लेक्स वेटलैंड, सिंस अगर आपने बात की, तो दैट्स वाई आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट दैट. पॉइंट कैलिमेर इज एन इंपॉर्टेंट रामसर वेटलैंड. ठीक है, सभी लोग क्लियर है? तो ये थोड़ा बहुत सिटी से एसोसिएशन जरूर देखिएगा, एग्जाम में आप जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किस सिटी से कौन सा एसोसिएटेड है. और अगर मेजर सिटीज हैं, अगर मेजर सिटीज हैं तो डेफिनेटली उनसे एसोसिएटेड अगर कोई कंजर्वेशन एक्टिविटी हो रही है, तो वी मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट. इज एवरीवन ओके? तो कर्नाटका की बात करें, लार्जेस्ट स्टेट इन साउथ इंडिया. कर्नाटका इज होम टू 5 नेशनल पार्क्स. सो ये पूरा मैप है, देर आर सो मेनी थिंग्स इन दिस, बट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. सो जब हम बैंगलोर की बात करते हैं, तो बैंगलोर में हमारे पास आ जाता है बांदीपुर. यस, तो ये हमारा बैंगलोर रीजन है, तो यहाँ पर हमारे पास बांदीपुर आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद 5 एरियाज आर देयर विच इज एज पर ISFR. आपने स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सुना होगा, एवरी 2 ईयर्स ये आती है.
The total forest cover of the country is 712,000 square kilometer. 21.67 is our forest cover. और ये नई रिपोर्ट 2021 की बन रही होगी जो 2022 में आ जाएगी आपके पास. द टॉप थ्री स्टेट्स विच हैव शोन एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर आर कर्नाटका, आंध्रा एंड केरला. वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ऑल थ्री स्टेट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया. ऑल थ्री स्टेट्स जिन्होंने रिपोर्ट रजिस्टर किया अपने फॉरेस्ट में ग्रोथ. आंध्रा में आपको पहले करवा चुका हूं. आंध्रा वॉज इन द लास्ट क्लास जिन लोगों ने ये सेशन अभी ज्वाइन किया है. सो दिस इज द 10th सेशन. उससे पहले भी हमने बात किया है. आंध्रा, कर्नाटका एंड केरला, दीज हैव बीन द कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स इन द स्टेट्स विच हैव रजिस्टर्ड ग्रोथ इन देयर फॉरेस्ट. इज एवरीवन ओके विद दैट? यहीं पर आपका आएगा बांदीपुर. नहीं, बांदीपुर आप लोगों ने बताया वहां. बांदीपुर नहीं है, बनेर घाटा होगा. क्या लिख रहे थे यहाँ पे आपने, बांदीपुर डाला है? नहीं, बांदीपुर तो उससे दूर है, बनेर घाटा. इज एवरीवन ओके? हाँ बिल्कुल जॉनी, सही कह रहे हैं आप. यहाँ बांदीपुर लिखा मैंने, मुझे लगा कि ये वाला तो सही जाएगा, बट जब आपने दो एरर किए पुलिकैट और इसके, तो आई कुड सी, तो ये बनेर घाटा आएगा इधर, डेफिनेटली बनेर घाटा. और यहां पर आएगा आपका बांदीपुर. ठीक है, और बांदीपुर के पास ही है नागरहोल. सो नागरहोल आएगा, फिर यहां कहीं पर आ जाएगा आपका व्हाट इज दिस, कुद्रेमुख. आपने सुना होगा कुद्रेमुख, नाम सुना है? ठीक है, और यहां पर आएगा आपका अंशी. सो बनेर घाटा, बांदीपुर, ठीक है, बनेर घाटा, बांदीपुर, कुद्रेमुख, आंची और यहीं पे कंटिन्यूएशन में आपको मिल जाएगा नागरहोल. ठीक है, क्लियर हो गया? तो सिटी का ये देख लीजिए, सिटी का यहां बांदीपुर बहुत से लोगों ने ये दिया. तो पहली चीज सिटी से जुड़ा हुआ, नॉट दैट सिटी में ही है, सिटी के पास. सो दिस इज योर बानेर घाटा. डेफिनेटली ट्रैवल करेंगे इधर तो बहुत से लोग बांदीपुर भी जाते हैं. आप बिल्कुल उसी रीजन में हैं, बिल्कुल आप ट्रैवल कर सकते हैं. बांदीपुर, नागरहोल, ये ऊटी के पास हैं, ऊटी रोड पर ये मिल जाते हैं. सो दैट इज व्हाई दे आर ऑल इन विसिनिटी. बट अगर एसोसिएट करना होगा तो ये एसोसिएट होगा और चेन्नई से गिंडी एसोसिएट होगा. इज एवरीवन क्लियर विद दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हुए हमारे मेन एरियाज, बट तीन परफॉर्मर्स हैं हमारे पास, थ्री परफॉर्मर्स, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो बांदीपुर इज चर्मराजनगर, बनेर घाटा इज बैंगलोर, नागरहोल इज मैसूर, और ये सब मैसूर, बैंगलोर, ऊटी के ही रेंज में आ रहे हैं. और ये दोनों नॉर्थ में चले जाएंगे, ये नॉर्थ वेस्ट में चले जाएंगे. और ये एक ही एरिया में, अगर मैं कहूं तो इसे बैंगलोर, मैसूर, ऊटी, इस रेंज में आपको ये तीनों मिलने वाले. ठीक है, सो वंस वील गो इन टू देम वन बाय वन. लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स इसमें बैंगलोर का पॉइंटिंग, बनेर घाटा देखेंगे एंड कुद्रेमुख. ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, वेर एवर यू आर गोइंग फॉर कुद्रेमुख, नीचे आपका आएगा बनेर घाटा एंड कुद्रेमुख ऑलमोस्ट इन द सेम. और यहां पर आएगा आपका नागरहोल एंड बांदीपुर, नागरहोल एंड बांदीपुर, नागरहोल एंड बांदीपुर. और कुद्रेमुख के ऊपर आएगा अंशी. इज एवरीवन ओके? सो बानेर घाटा के साउथ वेस्ट में बांदीपुर. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? तो ये प्लॉटिंग के लिए, दिस इज प्लॉटिंग इज ओनली फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल. ये स्टूडेंट्स के लिए क्या है वो सब अभी हम बात करेंगे. सो बांदीपुर की हम बात कर रहे हैं. बांदीपुर में काफी चीजें टाइगर से भी जुड़ी हुई आने वाली. सो कवरिंग एन एक्सपेंस ऑफ 874 स्क्वायर किलोमीटर इन द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व. तो एक और चीज है यहां पर, जब आप बना रहे हैं, आपने देखा होगा मैंने केरला के पास ही किया है, यहां नीलगिरी भी है. ये एरिया
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है. सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज एट द बॉर्डर. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, इट इज एट द बॉर्डर, केरला कर्नाटका का बॉर्डर है. एंड यहीं पर हमारे पास बांदीपुर, नागर होल, मुदुमलाई वेनाड कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे एक ही एरिया में है. सो वी हैड ऑल बिफोर दैट ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दिस. नवनीत कह रहे हैं सर काबिनी फ्लोज इन बांदीपुर. आप ये भी कह सकते हैं नवनीत, और मैं ये भी कहूंगा कि काबिनी इज द बॉर्डर बिटवीन बांदीपुर एंड नागरहोल. सो बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिवर्स भी पता होनी चाहिए. पर इस एरिया के बारे में मैं जो बात करना चाहता हूँ टुडे व्हेन आई वांट टू टॉक अबाउट दिस, सो एक थोड़ी सी बात टाइगर पे भी होनी चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस. ये जो एरिया है वन ऑफ द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन यहाँ पर है हमारे पास इस पूरे कॉम्प्लेक्स में. सेकेंड इज नागरहोल की बात करेंगे तो इट हैज द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड टाइगर रीजन ऑफ द कंट्री. सो दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. सो टाइगर के बारे में हमारे पास 2020 में एक रिपोर्ट भी आई थी, तो आई वुड वॉन्ट टू डिस्कस दैट ऑल्सो. ठीक है, तो नेशनल हाईवे कनेक्टिंग मैसूर टू ऊटी बांदीपुर से निकलेगा. एज आई टोल्ड यू, मैसूर ऊटी बैंगलोर, इस बेल्ट को ले लीजिए, बानेरघटा बांदीपुर और नागरहोल, तीन आपके पास यहां पर हो जाते हैं. इज एवरी वन ओके विद दैट? सो टाइगर एंड एलिफेंट्स आर द फ्लैगशिप्स एंड अम्ब्रेला स्पीशीज ऑफ दिस. सो टाइगर और एलिफेंट्स की बात करें, और स्पेशल क्योंकि ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी आ गया है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व भी है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अब यहाँ के एनिमल्स जो होंगे टाइगर की फूड चेन से जुड़े होंगे. द एनिमल्स हेयर विल बी एसोसिएटेड विद टाइगर फूड चेन. सो ग्रेजुअली वट वी विल हैव इज एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनिमल्स ऑफ दिस रीजन ऑल्सो. सो ये एक रिपोर्ट है जो मैं सभी लोगों को एक रिमाइंडर के लिए देना चाहता हूँ. इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट जो अभी सिविल्स की तैयारी शुरू किए हैं तो ये रिपोर्ट आपको पता होनी चाहिए. अगर आप पिछली बार भी दे रहे थे तो आई एम श्योर यू वुड हैव सीन दिस. सो दिस वाज द स्टेटस ऑफ टाइगर्स को प्रेडेटर्स एंड प्रे रिपोर्ट इन 2020. दिस वाज कंपेयरिंग इंडिया 2014 के मुकाबले. इंडिया में टाइगर की पॉपुलेशन बढ़ी 2967 एंड इंडिया होस्ट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स टाइगर. सो एट द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी प्रोबेबली आई वुड से देयर वर यू नो लाइक a huge number of tiger across many countries, okay, but it has constantly declined. It has constantly declined, and probably India is the only country जहाँ पर अभी भी हमारे पास एक significant amount of tiger population है. Nearly a third of India's tigers are living outside tiger reserves. Nearly 17 of the 50 reserves are approaching to their peak capacity. ठीक है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, जो हमने पहले भी बात किया है, इज द लार्जेस्ट हैबिटेट. तो जिम कॉर्बेट हैज द हाईएस्ट. उसके बाद आ गए नागरहोल एंड बांदीपुर. प्रोबेबली बांदीपुर ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए आपने बैंगलोर को भी एसोसिएट किया बांदीपुर से. बट रिमेंबर दैट बैंगलोर या सिटी वाला एसोसिएशन, मेक श्योर दैट इज डिफरेंट. वेल द नंबर ऑफ टाइगर, अच्छा पहले तो ये हो गया कि साउथ में कर्नाटका बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर टाइगर्स. दैट जिम कॉर्बेट में ज्यादा नंबर है, हाइएस्ट नंबर, बट एज पर द रिपोर्ट दैट इज देयर. एट द सेम टाइम कर्नाटका हैज सम इश्यूज ऑल्सो. वॉट इज द इशू? ये जो मैंने आपको बताया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइगर्स. जो टाइगर्स हैं कुछ एरियाज में ज्यादा है सम एरियाज, एंड इट इज नॉट वेरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. इन 2014 द लास्ट टाइगर सेंसस ईयर कर्नाटका हैड 2406 एंड 2018 दे रोज. तो अच्छी बात है द नंबर हैज इंक्रीज. बट While the forest divisions reported high density of tiger in a highly fragmented forest area, there is surrounded by coffee plantation, hai, agricultural field. Hai. Yes. So these reserves continue to carry lesser tiger than its carrying capacity. So there is more possibility of Anshi and Bhadra tiger reserve, but they are not carrying it. Kali tiger reserve, jisko Anshi bhi bolte hai, that covers a total of 1300 square kilometer, has only 4 tigers. Get that? So that means the number and the area is huge. Area is huge, but the number of tigers are not uniformly distributed over there. The report also posts a grim picture of human interference in the wildlife habitat, as majority of the forests are under immense stress from human activities. Yahan roads banti hai. Yes. Railways. So dono ke dono transport arteries kya karne wali hai? They lead to something called as हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन. उसके अलावा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, डैम कैनाल,
illegal quarrying and invasive species. Anyone preparing for this examination, ये सबसे standard issues हैं. आज की date में हमारे national park के major issues are habitat fragmentation. Why does it happen? Because we have communication lines, be it road, be it railways. तो ये communication lines जब उनको तोड़ती है, the habitat gets fragmented, the issue of man-animal conflict also becomes rampant. ठीक है? So habitat fragmentation है. हमने देखा कि बहुत जगह पे फॉरेस्ट फायर है, स्पेशली उत्तराखंड लास्ट ईयर वाज इन बिग न्यूज. फॉरेस्ट फायर इज अ वेरी वेरी कॉमन थिंग दैट आल्सो डज अ लॉट ऑफ हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन. पहला तो ये हो गया. दूसरा है डेवलपमेंटल वर्क व्हेन वी गो फॉर डैम एंड कैनाल्स. सो दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द एंटायर इकोसिस्टम, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर स्पीशी, द एंटायर इकोसिस्टम. उसके अलावा जो ह्यूमन एक्टिविटीज है ऑफ पोचिंग एंड इलीगल क्वेरिंग. सो पोचिंग इज तो शिकार कर रहे हैं आप. Illegal quarrying is, you know, like you are taking away stones, okay, or sand mining in these areas. So along especially the river beds that is happening. So that has been a problem, or invasive species. So these are the major problems of almost the leading national parks that we have, especially where we have all these rich biodiversity over there. Okay. So something on tigers, we should have known that. So report bhi aapke paas aa gayi. Yes. ओके, बांदीपुर डन एंड नाउ वी कम टू बानेरघाटा. सो बानेरघाटा में वी हैव, वहां मैंने टाइगर नहीं डाला है, यहां लायन डाला है. सो आई होप द पीपल आर अवेयर इनफ, और आप देखते हैं एनिमल्स में इतना इंटरेस्ट है दैट लुकिंग एट देम यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ टाइगर एंड अ लायन. गेट दैट? सो दिस नेशनल पार्क इज कार्व्ड आउट टू क्रिएट बानेरघाटा बायोलॉजिकल पार्क. It is not much far from the city Bangalore. Lion safari, tiger safari, and a beautiful butterfly park is also located over here. Get that? So this comes from a place called, ek village tha jiska naam tha Banerghatta. Usi village ke naam par isko rakha gaya, and it was a pilgrimage place, so that is there. This park forms the last remaining large patch of tropical dry thorn forest in the country. And is known for reptile and bird diversity also. And जैसा मैंने आपसे कहा, ये सारा का सारा area, especially Mysore Elephant Reserve, is also very very important for India's largest land mammal, Asian elephant. तो ये हमने बांदीपुर में भी देखा, बानेरघाटा में भी देखा. So when we are coming down south, these majestic big animals are very very important. So that must be kept in mind. ठीक है? So फिर से correction. Bandipur is definitely there in Karnataka, but the city wala is Banerghatta. Just like Chennai, we have the Gindi. Is everyone clear on this? Locations. One is close to Bangalore, other is southwest. Jaisa ki maine aapse kaha, right in the beginning I showed you that it will go towards the Western Ghat. This one will go towards the Western Ghat when we are talking about the Bandipur one. Aur Bandipur ke upar Nagarhole, and as somebody pointed out, कि सर यहाँ काबिनी रिवर है. यस, डेफिनेटली द रिवर इज काबिनी. नागरहोल पे आते, नागरहोल पार्क ऑल्सो नोन एज राजीव गांधी नेशनल पार्क. सो टू कमेमोरेट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, इट वॉज रीनेम टू राजीव गांधी. सो दिस इज नागरहोल और राजीव गांधी नेशनल पार्क, कंटिग्यूस टू बांदीपुर नेशनल पार्क. सो इट इज अ कंटिग्यूस मीन्स टचिंग और बॉर्डरिंग दैट. So since they are contiguous, so contiguous to Bandipur, and Kabini River forms the boundary. Once a game reserve for the Wodeyar rulers of Mysore Kingdom. So ye Mysore Kingdom hua karta tha, Wodeyar rulers, their hunting, and there also they would use elephants and they would go for hunting the tigers. So it became a wildlife sanctuary in 1955 post independence, and subsequently upgraded to a national park. The core of this is the natural habitat for source population of tiger. So this should not be seen. This should not be seen as just one thing. कि ये tiger है, ये बहुत बड़ा area है tiger population का. Nagarhole, Bandipur, Wayanad, Mudumalai, Satyamangalam, BRT block. ठीक है? 724 tigers and the highest number of striped cats in the world. This is a very very big center for tigers. Do we get that?
Nagarhole Tiger Reserve continues to be the most densely populated tiger reserve in Karnataka also and otherwise also. Get that? More than 125 adults are roaming. This you need not know. Bandipur Tiger Reserve with 912 has 7.7 and this one has 11.8. You don't have to mug it up, but I'm saying the डेंसेस्ट मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड टाइगर रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो दैट थिंग गोज टू नागरहोल. एंड अगेन आई सेड एलिफेंट भी देखना है, एलिफेंट भी देखना है. एंड प्लीज गेट द इकोसिस्टम करेक्ट. गौर क्या हो गया? इंडियन बाइसन. बाइसन क्या होता है? भैंसा. एलिफेंट, बाकिंग डियर, ग्रे लंगूर, तो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे. बंगाल टाइगर है, लेपर्ड है, डोले है, स्ट्राइप्ड हाइना है. सो वी आर लुकिंग एट फॉक्स फैमिली, हाइना फैमिली. डॉग्स की भी हम बात कर रहे हैं, बाइसन की बात कर रहे हैं. सो ऑल दोज थिंग्स आर देयर. सो जस्ट कीप दैट इन माइंड. नेशनल पार्क इज इंटरस्पर्स्ड बाय सेवरल स्ट्रीम्स एंड रिवर्स विच ओरिजिनेट इन द हिल्स. और इंपॉर्टेंट रिवर काबिनी की हमने बात की, ये ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों के लिए है. ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, आपके लिए प्लीज प्लॉट लक्ष्मण तीर्थ रिवर ऑल्सो. ये जीएस के लिए नहीं है. जीएस स्टूडेंट्स डोंट नीड टू नो दिस मेनी डिटेल्स ऑफ द रिवर्स. लक्ष्मण तीर्थ रिवर हैज बीन आस्क्ड इन ज्योग्राफी ऑप्शनल. छोटी रिवर भी पूछते हैं, खासकर वेस्टर्न घाट से जो निकल रही. सो आई हैव ट्राइड टू ब्रिंग दैट ऑल्सो इन दिस डिस्कशन. इज एवरीवन क्लियर विद दैट? अब ये जो एनिमल्स हैं जो आपके सामने आ गए, बंगाल टाइगर, लेपर्ड, डोले, स्ट्राइप्ड हाइना, इंडियन बाइसन, बार्किंग डियर, तो ये क्या है? ये फूड चेन है, ये इस पूरे एरिया में मिलेगी. यू डोंट हैव टू मग इट अप, यू डोंट हैव टू मग इट अप. क्या ध्यान देना? टाइगर्स के लिए स्पेशली बांदीपुर, नागरहोल, वायनाड, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे बानेर घाटा की तरफ आते हैं, वेयर वी हैव टाइगर लैंड, बोथ ऑफ देम आर देयर. सो दैट्स वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. इज एवरी वन क्लियर ऑन दिस? चलिए लेट्स कंटिन्यू. कुद्रे मुख नेशनल पार्क. सो अगर ये आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो आई वॉन्ट अस टू पे सम अटेंशन टू द पिक्चर ऑल्सो ऑन दिस. सो नेशनल पार्क में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? ग्रास लैंड. आई कैन सी अ ग्रास लैंड ऑन दिस. ठीक है. सो कुद्रे मुख कहां पर है पहले उसे देख लें. लेट इज गो बैक टू दिस आर मास्टर मैप विच वॉज हेयर. दिस इज कुद्रे मुख. गेदर? कुद्रेमुख ऑल्सो हैपन्स टू बी इन अ हिल, पॉपुलर हिल कॉल्ड बाबा बुडान हिल्स. कॉफी के लिए भी जाना जाता है बाबा बुडान हिल्स. एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइनिंग रीजन. क्या माइनिंग होती है कुद्रेमुख में? क्विकली, कुद्रेमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कर्नाटका शील्ड. क्या माइनिंग होती है यहां पर? जल्दी से बताएं, वॉट इज बींग माइंड ओवर हियर? तो कुद्रेमुख, कुद्रे इज हॉर्स. हाँ विकास, एकदम सही कहा. ये आयरन ओर के लिए जाना जाता है कुद्रेमुख रीजन. यही चिकमगलूर एंड ऑल दिस रीजन इज योर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आयरन ओर रीजन. ठीक है. सो कुद्रेमुख जब हम जा रहे हैं, अब हम कहाँ आ गए? अब हम नॉर्थ में आ गए. नॉर्थ और फिर आगे जाएंगे नॉर्थ वेस्ट. डू वी गेट दैट? दिस वॉज जनरली साउथ कर्नाटका. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स नॉर्थ. तो ये फिर भी दक्षिण कन्नडा है एंड दिस इज उत्तर कन्नडा वेयर वी विल हैव अंची. बट वी आर लुकिंग एट मूविंग इन टू दिस रीजन. एंड दिस रीजन हैज इट्स ओन ग्रास लैंड. ग्रास लैंड भी है. सो आप देखेंगे टाइगर तो होगा ही होगा. टाइगर भी हो सकता है, उससे एसोसिएटेड फूड चेन भी होने वाली है. बट वॉट आई वॉन्टेड टू ब्रिंग वॉज मोर ग्रास लैंड एंड ट्रीज एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी. अब मैं यहां पर एड करना चाहता हूं, लाइन टेल्ड मकाक. अभी तक वट वी टॉकिंग अबाउट? वी टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी ऑफ टाइगर्स. यस, अब एक और स्पीशी आपके पास आ गई, दैट हैज कम. और रिवर्स भी कुछ लेकर आए. सो लेट अस लुक एट दैट. टक्ड इन द हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स, कुद्रेमुख लाइज इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका, चिकमगलूर, उडुपी, दक्षिण कन्नडा. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. कुद्रेमुख इज अ हाई पीक, 1894. सो इंपॉर्टेंट लोकेशन है, मैप पॉइंटिंग के लिए भी है. कुद्रेमुख पीक फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल. दिस इज अ माउंटेन पीक पॉइंटिंग, सो इंपॉर्टेंट फॉर दैट.
It is named after the Kudremukh peak. In the local language, it means horse's head. Kudre Mukh, Mukh is the head. So some of the angles, एक angle से जब आप coast से देखते हैं, when you look at it from the side of the ocean, from one specific angle, ऐसा लगता है it is the head of the horse. This place is the source of river Tunga, Bhadra, and Netravati. So Tunga and Bhadra, they will flow. फिर जाके तुंग भद्रा बनेंगे एंड तुंग भद्रा विल बिकम द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर सदर्न कर्नाटका विच रिवर तुंगा एंड भद्रा नेत्रावती भी यहीं से आती है तो नेत्रावती इज एन इंपॉर्टेंट रिवर हैव लीस्ट डिस्टर्ब लो ऑल्टीट्यूड वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट पार्क ऑफर्स स्टनिंग विस्टाज ऑफ रोलिंग मेडोज एंड द शोला फॉरेस्ट. जल्दी से बताइए तुंगा एंड भद्रा दे यूनाइट टू फॉर्म तुंगा भद्रा एंड तुंगा भद्रा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ एब्सोल्युटली करेक्ट क्षितिज कृष्णा. सो तुंगा और भद्रा पे रिजर्वॉयर है वहीं से पानी यूज होता है किस लिए फॉर द स्टील प्लांट फेमस फॉर द स्टील प्लांट ओवर हियर. इज एवरीवन क्लियर ऑन दिस? ठीक आंसर विकास देवांशु एब्सोल्युटली करेक्ट. लेट्स मूव फर्दर. अंची नेशनल पार्क. सो आई थॉट यू नो लाइक टाइगर हो गया और यहां पर हमने क्या किया लायन टेल्ड मकाक सिंह पुच्छ बंदर हिंदी में अगर आपको ये मिलेगा तो. बट दिस इज द लार्जेस्ट कंटिगुअस पॉपुलेशन इन द एंटायर वर्ल्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टू लायन टेल्ड मकाक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशी डाउन साउथ एंडेंजर्ड स्पीशीज. अंशी नेशनल पार्क इज नाउ वी आर मूविंग नॉर्थ तो उत्तर में आ गया को एग्जिस्टेंस आफ्टर और ये डांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से जुड़ा हुआ है. इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट टाइगर सो प्रोजेक्ट टाइगर से भी इट वॉज रीनेम्ड काली टाइगर रिजर्व इन 2015. सो दिस इज द टाइगर रिजर्व ऑल्सो टाइगर का फूड चेन दीज आर स्पॉटेड डियर विच यू आर लुकिंग एट ऑन द स्क्रीन. अपार्ट फ्रॉम दिस लेपर्ड आर देयर स्लॉथ बेयर भालू भी होता है डोले इज देयर ब्लैक पैंथर्स आर ऑल्सो सीन बट ऑफन नॉट इजिली लुक्ड एट. Counted amongst one of the best national parks in Karnataka for bird watching. So bird species also there. One can see birds like crested serpent eagle, hornbill, roller, bulbul. Now, बहुत ज़्यादा नाम याद नहीं करने but hornbill पे question पूछा जाता है. And many people feel कि hornbill festival क्योंकि north east में हो रहा है so they are only over there. Hornbill are found in western ghat also a different variety. So that is why I included that. Do we get that? So these were the national parks of Karnataka. Is everyone clear on this? We have taken around half an hour doing this. Karnataka ke baad ab hum aa gaye hain Kerala pe. Kerala, Western Ghat. If you are starting from the Nilgiri itself, jahan pe we had Bandipur, usi se south aana shuru karenge. Nilgiri mein we have Silent Valley. What is so silent about it? Why is it called Silent Valley? What is so silent about it? Have you heard of Silent Valley? Quickly. Devesh पूछते हैं what is the difference between dunes and duars? Devesh बहुत ज्यादा फर्क है बिल्कुल बहुत ज्यादा फर्क है और कंपेयर नहीं करना चाहिए दोनों को. दून तो ऐसे एरियाज हैं जो जब शिवालिक्स राइज हुए सो मिडिल हिमालय और शिवालिक्स द रिवर्स विच वर फ्लोइंग आउट ऑफ मिडिल हिमालय. तो हिमालय आप जानते हैं तीन रेंजेस हैं नॉर्थ से साउथ तक इनर हिमालय मिडिल हिमालय और शिवालिक्स. और शिवालिक सबसे आखिर में उठे हैं सबसे आखिर में उठे हैं तो जो आपका जब शिवालिक उठते हैं तो मिडिल हिमालय से जो रिवर्स आ रही थी रिवर्स जो आ रही थी वो ब्लॉक हुई. ब्लॉक होने की वजह से दे क्रिएटेड सॉर्ट ऑफ यू कैन कॉल देम लेक्स यू कैन कॉल देम टेम्पररी लेक्स. एंड व्हेन द लेक्स फाउंड वे टू मूव आउट और द वाटर फाउंड इट्स वे टू मूव आउट ये लेक्स जो है ड्रेन आउट हो गई. तो जो वैलीज बची वो जो वैलीज बची ड्रेनड आउट में वो आपके दून कहलाते. दुआर्स जो है जनरली मैं कहूंगा दुआर का मतलब होता है एंट्री पॉइंट टू पूर्वांचल हिमालयस. सो दुआर्स तो हिमालय के साउथ में दुआर्स हिमालय के एकदम साउथ में है और दून्स जो है शिवालिक्स और मिडिल हिमालय के बीच में दोनों के फॉर्मेशन अलग है. डू यू गेट दैट दिवेश? शायद आपको आंसर मिला हो. राजश्री गोस्वामी केरला कह रहे हैं. देवेश कह रहे हैं हरिद्वार सर क्या द्वार है? नहीं नहीं वो वाला द्वार नहीं है.
हरी का द्वार है ये वो वाला द्वार नहीं है। जनरली द्वार्स ईस्ट में, जो हमारे पूर्वांचल हिमालय के, वो उससे आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है। ये हरी का द्वार है, वैसी वाली बात की, वो द्वार्स जो है वो हिमालय के द्वार है, ठीक है। साइलेंट वैली इज इन केरला, साइलेंट वैली इज इन केरला, व्हाई इज इट साइलेंट, हाँ ये पूछा हमने, ये बताइए जल्दी से, ठीक है। साइलेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साउंड, हाँ वो तो ठीक है, बट अचानक ऐसा साइलेंट क्यों कहा गया उसे? सो एवरीवन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो आप जंगल में कोई मूवी भी देखते हैं, मूवी देखिए, जंगल का कोई सीन हो रहा हो अंधेरे में, तो पीछे से कुछ आवाज आती है झिंगुर की, आती या नहीं आती? वेन एवर द सीन ऑफ अ जंगल इज बींग फिल्म इन अ मूवी ऑल्सो, बी इट इंडियन मूवी और वेस्टर्न मूवीज, यस, तो वो झिंगुर शोर करता ही रहता है। और जैसा कि विकास ने बिल्कुल सही लिखा है, उसको अंग्रेजी में कहते हैं सिकाडास, दो सिकाडास आर मिसिंग इन दिस, सो साइलेंट वैली डिस्पाइट बीइंग दैट जंगल रीजन डजेंट हैव दैट, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड साइलेंट वैली, ठीक है। सो देवेश आपको आपका आंसर मिल गया, बाकी लोगों ने भी वो किया और विकास ने बिल्कुल सही आंसर भी दिया, साइलेंट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ साउंड, और साउंड किसकी होती है, झिंगुर की या सिकाडास की। सो नागर होल पे भी ये तो हमने बात कर ली, अब केरला में आ रहे हैं। केरला में इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की अगर हम बात करें, तो आप देखें केरला में बहुत सारे शोला आ जाते हैं, शोला फॉरेस्ट। तो शोला जैसा कि मैंने आपको कहा हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट है, थोड़े कूल भी हैं और इनमें ग्रासलैंड भी मिलेगा। अनाईमुडी, माथिकेटन एंड पम्बापुम, यस पम्बदुम शोला ये आ गए। उसके अलावा हमारे पास पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और इराविकुलम नेशनल पार्क है, ठीक है। सो अगर आपको याद हो, अगर इफ आई गो फॉर अनाईमुडी, ठीक है, अनाईमुडी नेशनल पार्क अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पालघाट है, रिमेम्बर पालघाट के ऊपर क्या है, जिन लोगों ने थोड़ा ज्योग्राफी की क्लासेस पहले ली हैं, पालघाट के ऊपर आता है नीलगिरी, यस, नीलगिरी के बाद आता है अनाईमुडी, यस, और अन्नामलाई, यस, फिर आता है कॉर्डोमम, ऐसा याद है, नीलगिरी, पालघाट, पालघाट क्या है, गैप है, उसके बाद अन्नामलाई और यहां पर आता है कॉर्डोमम, डू वी गेट दैट? सो नीलगिरी में तो वायनाड आपको दिखाई दे रहा है, यस, रिमेंबर वायनाड से यहीं पर हमने देखा, ये कर्नाटका का भी था, बांदीपुर, नागर होल, ये सारा टाइगर रीजन, रिमेंबर, सो कर्नाटका का बॉर्डर, बांदीपुर, नागर होल, वायनाड, दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है। सो ये वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये यहां पर आ जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम नीलगिरी छोड़कर व्हेन वी कम टू अनाईमुडी, सो अनाईमुडी में आ जाएगा हमारा इराविकुलम एंड मथिकेटन, अनाईमुडी इज इराविकुलम एंड मथिकेटन, इज एवरीवन क्लियर, गेट दैट? और उसके बाद जब हम पेरियार नेशनल पार्क की बात करते हैं, तो वो पेरियार रिवर के साथ आ जाएगा, पेरियार रिवर के पास आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, पेरियार नेशनल पार्क, इज एवरीवन क्लियर? सो यहां जो हमारी प्लॉटिंग थी, डू वी हैव द मैप? और ये सारे इडुकी में मिलने वाले हैं, मोस्ट ऑफ देम इडुकी में मिल जाएंगे आपको, इडुकी आपको दिखाई दे रहा है, सो ये पेरियार, सॉरी मैंने इधर बनाया है, इधर इडुकी में बनेगा, फिर से मैप पॉइंटिंग के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, साइलेंट वैली, साइलेंट वैली को रेफरेंस ले लेना, साइलेंट वैली व्हेन वी टेक इट एज रेफरेंस, अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव इराविकुलम, एंड इराविकुलम के साउथ में आ जाएगा पेरियार, सो आई वुड से पहला पालघाट ढूंढ लीजिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट, पालघाट, इफ यू हैव लोकेटेड पालघाट, पालघाट के साउथ में आएगा इराविकुलम, यस,
एंड उसके साउथ में आएगा पेरियार, एंड साइलेंट वैली उसके वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट में आ जाएगा साइलेंट वैली. सो जस्ट फॉर अ रेफरेंस पार्ट ऑफ इट, रेफरेंस पार्ट ऑफ इट, ये नीलगिरी मुकुर्थी, दिस इज द रीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इट. सो ये नॉर्थ में चला जाएगा. इज एवरी वन क्लियर? सो लेट अस कंटिन्यू विद दिस. वेयर आर वी नाउ? पेरियार, टू प्रोटेक्टेड डेजिग्नेशन है. इट इज अ नेशनल पार्क एज वेल एज टाइगर रिजर्व वेयर इन द इडुकी डिस्ट्रिक्ट. यहां पर एक लेक भी है, पेरियार लेक. And this lake was created because of a dam on a river called Mulaperiyar. So rivers ki bhi baat ho rahi hai. Mulaperiyar. Okay. So Mulayar, Periyar, Mulaperiyar. Okay. It was under the British time itself, it was declared as reserve forest. Okay. So reserve forest and protected forest. Reserve forest and protected forest. Any idea what's the difference between them? Any idea what is the difference between reserve forest and protected forest? Ye nomenclature was given by the Britishers. This nomenclature was given by the Britishers themselves. So any idea? Any idea about the difference between reserve forest and protected forest? So under Britishers, this was a game sanctuary for hunting, and then post independence, this turned into a Project Tiger site also. And Annamalai, as I told you, Annamalai is the region jo yahan par aayega. Anyone? I'm still waiting for the answer. The difference between protected forest and a reserve forest, this terminology was given under the British time, and this continues even till today. पेरियार इडुकी में ही है, और पेरियार के पास ही है इराविकुलम. क्विकली, नो रिस्पॉन्स फॉर दैट. प्रोटेक्टेड एंड रिजर्व. ओके, क्षितिज सेज नो वन कुड एंटर रिजर्व फॉरेस्ट. सो बिल्कुल ठीक है क्षितिज, आपका आइडिया तो ठीक है. द फॉरेस्ट विच वर गुड विच द ब्रिटिशर्स वॉन्टेड टू एक्सप्लॉइट ओनली बाय देमसेल्व्स, दे डिक्लेयर्ड देम एज रिजर्व फॉरेस्ट. नोबडी कैन कट दोज फॉरेस्ट, नोबडी कैन यूज दोज फॉरेस्ट रिजर्व्स, गेट दैट? सो दे केप्ट इट. अदर एरियाज विच वर नॉट वेरी गुड फॉरेस्ट, दे अलाउड पीपल टू यूज इट, बट दे सेड दैट दिस बिलोंग्स टू द ब्रिटिशर्स. So it is under our protection, however you are allowed to work on that. Even till today when we are talking about, Indian government also maintains this classification of reserve and protected forest. Aapko bahut easily pata chal jayega, reserve forest, everything is banned except a few exemptions. Protected forest, on the other hand, is everything is allowed except the few exemptions. So protection, डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन इज डिफरेंट. सो बिल्कुल ठीक कहा था क्षितिज, यू वर ओके. ग्रेजिंग कुड बी अलाउड इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. देवांशु, मैंने कहा ना दो लिस्ट है, एक फॉरेस्ट के बाहर, आप जैसे ही फॉरेस्ट में घुसने आपको पता चल जाएगा रिजर्व है या प्रोटेक्टेड है. रिजर्व पे लिखा होगा सब कुछ वर्जित है, एवरीथिंग इज प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट. सो यू नो एवरीथिंग इज नो एक्सेप्ट 1, 2, 3, 4, वो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने डिसाइड किया वो. So that is a reserve forest. You see, the degree of protection is very, very high. Or grazing, agar nahi likha hai udhar, to nahi kar sakte aap. Do we get that? Protected forest mein kya hoga? All permitted except 1, 2, 3, 4. So that means you can go for grazing if it is not listed on those 4, 5 entries which are there. Do we get that? So reserve forest gets a higher protection. That is what was the idea of the during the time of Britishers also. But their idea was not conservation, their idea was siding the best of the forest with themselves, that nobody can interfere or commercially exploit them, only the Britishers were doing that, and the other areas we were allowed on that. Iravikulam National Park, isme main ek species lekar aaya hu aapke liye. Dekhne mein bakra lag raha hai. Yes, this is called the tahar, Nilgiri tahar.
So a new species comes here, very very important, Nilgiri Tahar, Iravikulam National Park, a former hunting preserve for Britishers. It was declared a wildlife sanctuary in 1975, especially for Nilgiri Tahar. It's a mountain goat. So naya naam aaya. We had golden tail macaque, singh pooch bandar, and now we have Nilgiri Tahar also coming. Important species. Species ke liye ghabrate hain, to tiger elephant do to aa hi gaye south mein when we are talking about Nilgiri Tahar and that also. Okay. उसी के साथ नील की बात आती है तो नील कुरिंजी भी आपने सुना होगा. स्पेशली इसका फेस्टिवल लगता है, पीपल गो स्पेशली टू सी द ब्लूम ऑफ दिस फ्लावर बिकॉज इट ब्लूम्स एवरी 12 इयर्स. सो दिस इज ऑल्सो द लैंड ऑफ नील कुरिंजी, अ फ्लावर दैट ब्लॉसम्स और ब्लूम्स एवरी 12 इयर्स. डू वी गेट दैट? सो इट वॉज डिक्लेयर्ड अ नेशनल पार्क. पहला इसमें आइडिया था नीलगिरी ताहर को बचाना है. नील कुरिंजी इसका स्पेशल अट्रैक्शन हो चुका है. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू टेल यू अनाई मुडी इज द पीक विच इज ऑलमोस्ट गिविंग यू द फीलिंग ऑफ एल्प्स ऑफ यूरोप. ओके, सो इट इज अनाई मुडी. सो एनी वन हुज लुकिंग फॉर इराविकुलम, ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, वेन यू आर लुकिंग फॉर इराविकुलम, वेन यू आर लुकिंग फॉर पेरियार पॉइंटिंग, योर रेफरेंस पॉइंट विल बी अनाई मुडी द पीक. द पीक अनाई मुडी इज इराविकुलम. पीक अनाई मुडी इज इराविकुलम. पेरियार उसके थोड़ा नीचे बना सकते इन द एग्जामिनेशन. यू कैन शेड एन एरिया बिकॉज दीज आर नॉट पॉइंट लोकेशंस, दे हैव अ सरफेस एरिया विद देम. पेरियार का देखोगे तो यार 350 स्क्वायर किलोमीटर्स, इट इज नॉट जस्ट वन पॉइंट. सो यू कैन वेरी वेल यूज दैट. ओके, इराविकुलम नेशनल पार्क इज एरिया इज लेस. ग्रासलैंड्स आर देयर, हिल्स आर देयर, एंड चोला फॉरेस्ट एज आई टोल्ड यू, दोज टेम्परेट हाइट कूल एरियाज विच हैव दोज फॉरेस्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट वही वाले एनिमल्स आ जाएंगे जो उधर भी थे. लंगूर विल ऑलवेज बी देयर, मंकी फैमिली इज देयर. सो वी हैव द गोल्डन टेल मकाक, वी हैव नीलगिरी मकाक और नीलगिरी लंगूर, टाइगर, लेपर्ड, स्क्विरल एंड वाइल्ड डॉग आर देयर. सो वाइल्ड डॉग्स डोले एंड दे आर ऑल्सो अ चैलेंज बिकॉज दे ऑल्सो हंट इन पैक्स. दीज वाइल्ड डॉग्स कैन हंट इन पैक्स एंड they can also be a threat to various other species. So half of the world's population of endangered Nilgiri Tahar lives over here. Very very important. Nagar Hole, when I was talking about, remember Nagar Hole for tiger density. Get that? Iravikulam for Nilgiri Tahar. Iravikulam for Nilgiri Tahar. Atlas moth. Moth kya hota hai? Sort of that butterfly which you have seen. Deewar pe jo hoti hai moth. Atlas moth, the largest of its kind in the world, is seen in this park. So atlas moth is another one. Chola grasslands are exceptionally rich in balsams and orchids. Do we get that? So plants mein itna main nahi ja raha hu. Neel kurunji is more important than balsam and orchid. Nilgiri tahar is important. Atlas moth. Do we get that? So Nilgiri tahar, one species which I have talked about, tiger and elephants I have talked about. Do we get that? So this is what I said. Kali River I have already talked about. इसमें हमने एक species की बात की थी. Apart from this thing, lion-tailed macaque. Did we find that? Is everyone clear? Silent Valley में आते हैं. So now we are in the Nilgiri Biosphere Reserve. Nilgiri Biosphere Reserve. You can look at the peak also when we are talking about. So the Silent Valley National Park is a unique preserve of the tropical rainforest, and you are looking at कि यहाँ पे बहुत सारा we are already talking about. We are already talking about the rainfall region. तो यहाँ पर rainfall आएगा ही आएगा. Yes.
साइलेंट वैली इज क्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स विद हाई एंड कंटिन्यूअस रिजेस। मैंने आपको बोला जियोमॉर्फोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट होता है, तो जियोमॉर्फोलॉजिकली भी इम्पॉर्टेंट है। गुड इवनिंग बोल रहे हैं, गुड नाइट बोल रहे हैं, मदन जाते हुए गुड नाइट बोलेंगे, अगर आप आए हैं तो गुड इवनिंग बोलिएगा। यस ओके। उसके बाद यहाँ इम्पोर्टेंट रिवर जो हमारे पास आई अपार्ट फ्रॉम दिस, वी हैव द कुंती रिवर। कुंती रिवर इज पासिंग थ्रू द वेस्टर्न साइड ऑफ द साइलेंट वैली नेशनल प्रोजेक्ट, सॉरी नेशनल पार्क। इट फ्लोज इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन बिफोर इट मीट्स द भरत पूजा। सो कुंती रिवर एंड भरत रिवर, लायन टेल मकाक फिर से आ गया साइलेंट वैली में। लायन टेल मकाक विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो मेक श्योर यू टेक नोट ऑफ दैट। साइलेंट वैली इज वर्चुअली अ बॉटनिस्ट ट्रेजर ट्रोव, सो यहाँ बहुत सारे ऑर्किड्स के भी स्पीशीज मिलते हैं। इज एवरी वन ओके विद दैट? सो अ लॉट ऑफ ऑर्किड स्पीशीज आर ऑल्सो देयर ऑन दिस। आर वी क्लियर? द वैली हैज अ फेयर रिप्रेजेंटेशन। तो एक मैंने यहाँ पे कंटिन्यूएशन में आई थॉट ऑफ ब्रिंगिंग दिस टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट दिस। यहाँ के सारे एनिमल्स कॉमन हो गए, लायन टेल मकाक, नीलगिरी लंगूर, बोनेट मकाक, टाइगर लेपर्ड, लेपर्ड कैट, जंगल कैट, फिशिंग कैट। सो किट कैट की बहुत सारी वैरायटी है। सिविट इज योर फॉक्स, लोमड़ी जो होती है, सिविट की वैरायटीज हैं। मोंगूज, मोंगूज, वाइल्ड डॉग, बेयर, ऑटर, तो ये सारा एरिया जो है उस सब का हो गया। अब हम इसमें जब हम बात करते हैं तो एवरीवन प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब हम नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं सो इट हैज मेनी थिंग्स कमिंग अंडर इट। सो इफ यू वांट यू कैन राइट डाउन कि इसमें क्या क्या आता है। ऐसे किसी ने मुझसे अभी पूछा सर नीलगिरी बायोस्फीयर में सर वर्ल्ड नेशनल पार्क पढ़ रहे हैं? नहीं दीपक, हम इंडिया के स्टेट्स के नेशनल पार्क्स पढ़ रहे हैं। सो एवरी वन डू आई हैव स्पेस, कहाँ पर मेरे पास स्पेस? इधर है। सो आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है इसके मैं कॉम्पोनेंट्स लिख रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो, गेट दैट? सो बेटा एक सचिन सर ऑफिशियल के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इट इज अ बायो जोग्राफिक रीजन। सो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व फॉल्स अंडर, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के लिए बता रहा हूं स्पेशली, फॉल्स अंडर द बायो जोग्राफिक रीजन, बायो जोग्राफिक रीजन ऑफ मालाबार रेन फॉरेस्ट। ठीक है, इसके कॉम्पोनेंट्स बता रहा हूं मैं आपको, मुदुमलाई, मुदुमलाई, वायनाड, मुदुमलाई एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और उसके अलावा बांदीपुर, नागरहोल, मुकुरथी एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। क्लियर हो गया? डू वी गेट दैट? कौन सी स्टेट्स को टच कर रहा है ये? टचिंग तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। एग्जामिनेशन में पूछते हैं, बिकॉज समबडी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, दैट इज व्हाई आई हैव एडेड दिस। इज एवरीवन क्लियर ऑन दैट? आई थिंक विवेक ने पूछा है, तो विवेक आपको बायोस्फीयर रिजर्व में सारे कंपोनेंट्स पता चल गए? दिस वॉज जस्ट वन थिंग, क्योंकि बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है। सो एट वन प्लेस आई हैव टोल्ड यू विच बायो जोग्राफिक रीजन, दिस इज द मालाबार रेन फॉरेस्ट रीजन, टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मुदुमलाई एंड वायनाड, एंड फोर नेशनल पार्क बांदीपुर, नागरहोल, मुकुरथी एंड साइलेंट वैली। और मैंने एक स्पेशल क्लास लिया था ऑन बायोस्फीयर रिजर्व, देयर आई क्लियरली टोल्ड कि भाई बायोस्फीयर रिजर्व कैन कंबाइन ऑल ऑफ देम टुगेदर। ठीक है, सो साइलेंट वैली इज अ पार्ट ऑफ दैट, लायन टेल मकाक। उसके अलावा आई टोल्ड यू दैट देर आर शोलाज, सो मथिकेटन शोला
is in the Idukki district, again eastern part of that is there, Kerala Tamil Nadu interstate border, and it is, remember, Nilgiri Annamalai Kordamam. So jaise jaise hum south mein aa rahe hain, geography optional students, I hope you are understanding that Nilgiri, the silent valley, Palghat, Annamalai Aravikulam will come into this, and now I have reached Nilgiri Annamalai, now I have reached Kordamam, and Kordamam ke इधर क्या हो गया हमारे पास, मथिकेटन एरिया इज इन कॉर्डोमम हिल, कॉर्डोमम हिल रिजर्व, मेनी स्ट्रीम्स ओरिजिनेट फ्रॉम हियर, पानियार रिवर इज ओवर हियर, नॉट नीडेड फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया स्पेशली फॉर द मूवमेंट ऑफ एलिफेंट्स, सो इट इज अ कंटिन्यूअस एरिया दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ह्यूमन बींग्स जो भी कर रहे हैं यहाँ पे कॉर्डोमम और कॉफी दैट इज देयर, सो शोलास पे मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, Anaimudi Shola is also there, again Idukki district that is there, so different types of Sholas are there, you don't have to remember them, stream you can remember, Pambar and the forest and the temperate region, Pampadum Shola, again ecological, floral, faunal significance, in 2003 it was declared as the national park and it is the smallest national park of Kerala. That situated in southwest southern Ghats near Munnar town. Okay, heavy rains, northeast monsoon, almost the similar characteristics, elephant, gaur, leopard, wild boar, that is all we are looking at. Do we get that? So, aapne ek plant suna hai, Parentica nilgirinensis, that is restricted only to the southern hill complex in South India and it is IUCN. So, important for that. Is everyone clear with South India? So, more or less, मैंने यहाँ पे पूरे animals को capture करने की कोशिश की है. I have tried to capture them. Now, let's come to a totally different area. We'll go quick on this. South is over. I think I've taken 30 minutes for the two states. Up 30 minutes में we will be finishing Gujarat and Rajasthan also. So, first of all, Desert National Park, you can see that Desert National Park, your point is your Desert National Park, Sariska, Kevla, Kevla Dev, isi ka naam Bharatpur pehle tha, abhi Kevla Dev ho chuka hai, Ranthambore, important, can you see that? Isme bahut sari cheeze, wildlife sanctuary bhi, but National Park when I am looking at, these are the important one. So, Mukundra Hills, to hum baat karein Darra, so that will also be shown on a different map, abhi dikhaunga. Desert National Park is visible, Kevla Dev, Ranthambore and Sariska are visible. Is everyone okay with that? I am very sure that you are aware of the tiger in this also. So, Sariska, Ranthambore, they are also known for their tiger. Desert wala, jaise maine aapko kaha, ki first of all, it is the sand dune region, there is also a fossil park in that. So, ancient fossils are also found in that, that has to be kept in mind. Jab hum Gujarat mein jane wale hain, we will have black buck aa jayega, run of Kutch bhi aa jayega, gir will also be there. So, this is what we are going to talk about. But the very onset of it, as I said starting mein hi, ki a dry semi-arid area hai. So, Desert National Park, very important, ab ek aur species aa gayi, I am sure all of you know about Great Indian Bustard, their population has constantly declined. In the last 50 years, 90% of their population has declined. Very, very significant. So, a new species comes. Though, agar mujhse west ki baat karenge, to west mein aapne crane suna hai, Siberian crane, Saras, yes, or Great Indian Bustard. To ye sare ke sare yahan par aate hain, but Great Indian Bustard always occupies a special position. Theek hai? SP is saying bilingual please, so SP we are going both English and Hindi, which one do you want SP? I am going both on that, okay. So, Desert National Park and if you are English speaker SP, most of it is written in English and whichever you want more of it, do let me know. So, Desert National Park is in Jaisalmer, Barmer, I already told you that sand dune region, western part is sand dune. जहाँ डेजर्ट है, रेत है, वो पूरा सैंड ड्यून्स है एंड ग्रेवली टुवर्ड्स अरावली, जो अरावली की तरफ आते हैं, सो दिस इज द स्टेट, सो
So this is the state of Rajasthan, and here I would say is Aravallis. So यहाँ पर gravel है, and this side is sand. So west में वो sand हो जाता है. Is everyone clear? Wood Fossil Park at Akal near Jaisalmer is under the Desert National Park. The fossil evidence dating back to periods 180 million years old. So यहाँ पर we have also found the fossils over there, and apart from that, the native bird here is Great Indian Bustard. Apart from that, we have white-backed vulture and long-billed gyps vulture. Get that? Three important cheez, Rajasthan ka state bird, Great Indian Bustard, state animal, chinkara, and state tree, khejri, and state flower, rohida, are found naturally. So, very, very important, bahut zyada characteristic area hai Rajasthan ke liye. What is the local name of Great Indian Bustard? Godavan. Godavan is the local name. It is large territorial bird of grassland. Its habitat consists of large landscape, dry grassland and scrubs. So, kya threat hai? What is happening to them? Why are they going down? Their number is going down. Desert National Park, we want to conserve them. Idhar bhi milta hai. Run of Kutch mein bhi milta hai. So, what is the challenge? What is the issue with this bird? What is the issue with this bird? Quickly, what is the issue with this bird? So, pehla to poaching, one is hunting. Second one, Shitit says electric wires, habitat fragmentation. Absolutely okay. So, I give you all the marks, Shitit. Two very, very important things, electric wire and habitat fragmentation. So, one is hunting, poaching. So that the government is able to regulate, but the fact is this bird, when it runs, okay, it gets trapped into those high voltage electric wires. Kuch proposal hai? There is some proposal for that. The government is proposing either there should be underground wiring, or there be something about those fly detractors, so that the bird can be aware of that and can be saved from that. So electric line has been an issue. Absolutely okay. This tells me Vikas, Mayank and Shitij, you are staying abreast with the issues. Bahut achhi baat hai. That's very good. Congratulations. Ranthambore. You can see a fort over there. There used to be a fort, Ranthambore Fort, that was surrounded by forest, and there is a good thriving population of tigers over there. So Ranthambore ka jo killa hai, uske aaspaas tigers bhi milte hain. Eastern part of Rajasthan, located at the junction of two famous ranges, Aravalli and Vindhya. So, geography optional student, you can see the move, they have shifted eastward. Desert National Park was on the western side. Desert National Park was on the western side. What has happened? We have shifted here, Ranthambore. And further, when we shift down here, we will have the Mukundra Hills. Geography optional students, you can take the reference. I have already told you from Mount Abu. So, Mount Abu ko agar hum ye line ko, if we keep it center to the west and to the east, we can get those locations. Chaliye wapas aate. It is also home to a population of leopards, hyenas, jackals, black buck. So, black buck kafi popular hota hai yahan par, theek hai. Chinkara, cheetal, sambar, nilgai, rhesus macaque. Rhesus macaque is your normal monkey that you see. That is called the rhesus monkey. The forest area of Ranthambore is mostly dry deciduous. So, remember, ab we are not into those wet rainy areas of South India. We have come to the dry deciduous tree species known as dhak, that is capable of withstanding long periods of drought. So, some important things that we have looked at. Tiger is there. Yes. Confluence of Aravallis and Vindhyas. So, Aravallis will go like this, Vindhyas will go like this, somewhere here we are looking at. Is everyone okay? So, this is on the eastern side of Aravallis, Ranthambore, the old fort. So, if this is MP Rajasthan border, and if this area
is your Ranthambore. If this area is your Ranthambore, which has Kela Devi Sanctuary, Ranthambore National Park, and Sawai Mansingh Sanctuary. So as I said, national parks can be bigger than the sanctuaries, and a tiger reserve can further be there. Then we have this train going. Can you see this train line going over there? Now please understand, Dara means gap between mountains. Dara means gap or pass between mountains. So we are looking at that pass, and this pass region is called the Mukundra National Park. Do we get that? So Mukundra Hill National Park is also known as Dara National Park. Dara means pass. Pass is gap between mountains. Between which mountains? Mukundra and Gagrola. This was declared national park in 2004, a tiger reserve in 2013. Uske baad se ye third tiger reserve hai Rajasthan ka. So hamare paas Ranthambore, Sariska and Mukundra. Three ho gaye. National park resides inside Mukundra, so that's there. So there are wildlife sanctuaries that you need not worry. As I told you, there are wildlife sanctuaries within Ranthambore also. But since you are looking at it, ये slide में आपको बाकी भी information मिल जाती है. बाकी mark नहीं करने, अभी क्या mark करना है? Geography option students, we are looking only at national parks. Rivers Kalisindh and Chambal. Kalisindh forms the eastern boundary and Chambal forms the western boundary. So river Kalisindh and Chambal are two rivers over here. Sariska National Park. It is located in Aravali Range. You know Aravali Range illegal mining and denuding over years. So wahan erosion bahut hai. Sariska has three protective areas: tiger reserve, national park, and wildlife sanctuaries. Get that? In fact, their population had gone down to almost zero in 2005. That was a very big shock and very, very sad thing. But however, some tigers and some paired tigers, male and female, were shifted from Ranthambore to Sariska. Breeding happened and their number has increased. So that is good about Sariska. Kevla Dev. So Kevla Dev koi pehle Bharatpur bolte the. Bharatpur Bird Sanctuary, and it has been included now into Kevla Dev National Park. This is a man-made wetland area. You can see many, many migratory birds come over here. Surajmal, Raja Surajmal of this region had flooded this area by making a bandh, so to store water. Azan bandh banaya tha, and water from the nearby rivers Banganga and Gambhir was fed into this lowland topography. So Banganga and Gambhir, get that? Vikas Kere, also in Montreux record. So Vikas, pehle Montreux record karne se pehle, I would want to say ki they are wetland, then I would say they are Ramsar wetland. Ramsar is an international treaty which was signed in Iran 1971. It designates the wetlands of a country as special wetlands as Ramsar site. So this is a Ramsar site. Now when a Ramsar site, jab ek Ramsar site khatre mein aati hai, if a Ramsar site is not able to maintain its ecological health, it is put in a special list. Ek special list mein dalte hain jisko Montreux record kaha jata hai. A special list which is called Montreux record. So yes, Kevla Dev went to Montreux record. It contains 10 artificial lagoons. It is recognized as one of the world's most important breeding areas, especially for birds. Ke liye bahut important hai. Critically endangered Siberian crane. Not only that, many other cranes, pelicans, eagles, flycatchers can be seen here. So it's a bird watcher's delight. Gujarat mein aa jate hain. So one is the Marine National Park, Gulf of Kutch. Do we get that? Black Buck National Park, Wansada National Park, and Gir National Park. Four. Gir ka location here.
black buck ka location almost here. So very clearly you can see them, you know, like this thing, and this one will come like this, the marine national park. So almost associated with the gulfs, you can very well see that only the Vansda will be in this Gujarat plain region. Here is going to be Vansda. Everyone clear? So Gir is the national park in the Sasan Gir region, the Junagadh district. I am sure that everybody knows it is about Asiatic lion. Sasan Gir as a wildlife sanctuary in 1965, entire area is divided into Western and Eastern Gir, and it is the only place, last abode for Asian lion in their natural habitat. So Gir is very, very popular, so I am very sure you are there. Now we come to the Southern Gujarat region, Navsari region. An extension of Sahyadri range makes it slightly hilly. वैसे तो इट इज मोस्टली द गुजरात प्लेन रीजन, बट एन एक्सटेंशन ऑफ सह्याद्री मेक्स इट सो अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट टचेस गुजरात ऑल्सो, दैट इज वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज मोर फेमस फॉर बर्ड्स बर्ड्स एंड द रीजन ऑफ डैंग्स फॉरेस्ट विच इज देयर. इंडियन ग्रेट ब्लैक वुड पैकर इज देयर, अगेन लेपर्ड, रीसेस मंकी, वाइल्ड बोर, हनुमान लंगूर इज important for this region. Get that? But again, as I said, you know, the biodiversity which was down south was very different and the density is there, higher one. But either kuchi species aati, Black Buck National Park, if it reminds you of Salman Khan, yes. So Black Buck National Park is subtropical grassland hai. So pehli baat to ye yahan par grassland hone wala, western coast of Gulf of Khambat, we've already looked at that, yes. In the Bhal region of Gujarat. So, what is Bhal region? Bhal is the forehead, yes, is a flat alluvial plain made up of mosaic of cropland, saline wasteland, grazing grassland and marsh. Get that? फिर से बता रहा हूँ, why saline this area? Saline, wetland, marshy, almost touching the Gulf of Khambat. Is everyone clear on this? The prime goal for this protected area are to conserve black buck and Indian grey wolf and very, very important lesser florican. What is this? This is a bird. Very, very important. So, florican, just like when we were talking about bustards over there, great Indian bustard, likewise lesser florican is very, very important. So, Black Buck National Park is the only grassland preserved in the Bhal area. I told you that is the plain over there, slight part of Sahyadri is coming over there, and there we find these animals, especially black buck, Indian grey wolf and the bird lesser florican. So I hope I have mentioned aaj important species bhi kuch connect kiye hain, they will help you. Marine National Park, as you can see, so what is so special about it? Dekhne mein hi dikhai de raha hai ki there is something about the vegetation in this. तो मैंग्रोव आएगा, सो मैंग्रोव शुड बी इंक्लूडेड इन दिस, एंड मैंग्रोव एंड एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी. इट इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एंड सैंक्चुरी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन द ईयर 1982 अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. द गल्फ एरिया वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सैंक्चुरी एंड अ मरीन नेशनल पार्क. द सैंक्चुरी जोन एंड दिस इंक्लूड्स रिजर्व फॉरेस्ट, सो ऑन द लैंड देयर विल बी फॉरेस्ट and unclassified forest and non-forest area. So, all those things will be looked into. So, that area marine plus land terrestrial will be conserved in this. So, I would say some part of ecotone will also be coming. What is an ecotone? Ecotone is a transitional ecosystem. Do ecosystem ke beech ka jo sankraman ka kshetra hota hai, transition zone between two ecosystems, that is called ecotone. उसे इकोटोन कहते हैं. द एरिया मेंशन्ड अंडर नेशनल पार्क सैंक्चुरी रिजर्व इज मोस्टली हैविंग नो प्रॉपर स्पेसिफिक बाउंड्री. इट इज वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ बाउंड्री कि यहाँ पे खत्म होता है. द सदर्न पार्ट ऑफ द गल्फ हैज डाइवर्स फिजिकल कंडीशंस, मेनी आइलैंड्स एंड मरीन इकोसिस्टम्स. विच गल्फ वी आर टॉकिंग अबाउट?
we are talking about this Gulf of Kutch, and this is the southern part. This is what we are talking about. Is everyone okay? So many islands and marine ecosystem. More than 40 islands of the southern part are full of live coral reefs. Yes, dense mangrove forest. So what are we talking about here? Totally different, absolutely different. We are looking for mangroves. We are looking for corals. We are looking for marine species over there. Yes, and this whole area becomes an ecotone area. So that also makes it very special for conservation. So marine national park. And with this we end. Gujarat also, Vansda, black buck. So that's it. Have we achieved our objective today? West. Western Ghat, Southern Indian National Parks. Is everyone clear with that? Geography optional students, if you are sitting, I hope you have used this opportunity to plot them and you gain some understanding about these two areas also, Rajasthan, Gujarat, and apart from that, we also looked at the southern hill complex, especially the two states Karnataka and Kerala. Get that? So make sure you attend these important combats, they help you and they are all free for all of you. You can use the code Sachin IAS Live. All my programs are now available on Unacademy. My upcoming programs include a human geography based program called Human Geography Curriculum for Geography Optional. I am also coming up with a Master Stroke test series and a crash course in Geography Optional. And apart from that, we are also about to start a series on previous year's question discussion for Geography Optional. Agar aap GS ke liye dhoond rahe, if you are looking for GS, then in GS my Indian Geography batch will be starting, but that is not starting very soon. I think it will be starting in January. So abhi aapke liye human geography is available, pura human geography curriculum, a crash course in geography is available, a test series in geography is also available, and discussion of the previous year's questions from geography. Get that? So that is it from my side. Thanks a lot for being in the class, and I hope you created value out of this session. Sachin at 7 series will continue and we'll be informing you more about what is coming for you. Thank you. Bye bye. Good night.